बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों सबसे पहले मेरी जानिब से आप तमाम ही दोस्तों को जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि हम सब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और अल्लाह ताला बस हमें वैसा बना दे जैसा वो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखना चाहते हैं। दोस्तों तो हम लोग सारे इस वक्त निकलने लगे हैं। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है अब ये एंट्रियां हो रही हैं माशाल्लाह से सारी। मिसेस मेरी ठीक है, मेरा भाई, हम सब लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ये दोस्तों तो ये सिचुएशन है इस वक्त, अब आप लोगों को पता है कि अब सारे के सारे व्लॉगर्स एक गाड़ी में आ चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म कर लूं। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं रावलपिंडी शहर में देखने के लिए कि मुहब्बाने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से जश्न मनाने की तैयारियां की हुई हैं। लाइटिंग देखने जा रहे हैं, रात का एक बज रहा है और हम लोग इस वक्त रवाना हो रहे हैं। मेरी मम्मा जान भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की लाइटिंग देखने के लिए जा रही हैं। हम लोग सारे जा रहे हैं, तो चले दोस्तों चलते हैं। दोस्तों तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के बहुत ही खूबसूरत, जो हमेशा सकता है, बहुत ही खूबसूरत इलाका, और ये है जी लाल कुर्सी का। अभी आप लोग मेरे पीछे की तरफ अगर देखें तो माशाल्लाह, मैं भी आप लोगों को पूरे सिनेमैटिक्स वगैरह भी कुछ दिखलाऊंगा। बेटा साइड पे हो जाए मेरा बेटा, असल में गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं आके सड़क पर था, मैं आप लोगों को सिनेमैटिक्स भी दिखाता हूँ। तो बेस्ट जो सस्ती है ना जगह 12 रुपये अवल पे रावलपिंडी के अंदर, वो है हमारा ये एरिया लाल कुर्ती का। तो चलें दोस्तों, आप लोग भी अभी देखिए, देखे बन रही हैं यहाँ पर और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सजावट हुई हुई है। ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे हमारे चैनल एलिफ्लिक्स के ऊपर। तो चलें जी दोस्तों, अब बाकायदे तौर पर अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। बकाय नूर बना हुआ है जगह माशाल्लाह।
जी दोस्तों, तो इस वक्त माशाल्लाह मैं मौजूद हूँ लाल कुर्ती बाज़ार में। आप लोग साथ साथ मेरा दफ्तर देख रहे हैं कि मेरा बेटा छोटा सा साथ में चला आ रहा है। ठीक है, हम दोनों बाप बेटे जो हैं वो अलग से अपने ब्लॉग बनाते हुए और आप सब दोस्तों को दिखाते हुए, इस एरिया को दिखाते हुए चल रहे हैं, और बाकी मिसेज और मेरा भाई जो है वो पीछे की जानिब है, साइड पे जो है। ठीक है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत सजाया गया है। लाल कुर्ती द बेस्ट प्लेस माशाल्लाह, हमेशा बारह रबी अव्वल पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है इसको। लास्ट व्लॉग की मैं ऊपर सजेशन दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट ईयर भी ये बहुत ही अच्छी जगह सजाई गई थी और इस मरतबा भी कुछ कम नहीं है माशाल्लाह। ये मस्जिद है हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, तो मुसलमान ऐसा कैसे हो सकता है कि खुशी ना मनाए। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ। थोड़ी देर के लिए मैं जो है ना अपना बूथी को खराब करता हूँ और आप लोग खाली जो है ना देखें कि किस तरीके से लाइटिंग हुई है। जी दोस्तों, तो ये एक पर्टिकुलर चौक होता है यहाँ पर लाल कुर्ती के अंदर। अगर हम अंदर की जानिब आएँ, ये चार साइड से ना बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल की ना डेकोरेशन की गई हुई होती है। अगर आप लोग मेरी बैक साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पर ऊपर की साइड पर माशाल्लाह एक अलग फानूस नुमा एक लुक है। और जिस साइड से हम लोग आए हैं वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा दोबारा। अगर आप लोग मेरे इस साइड पर देखिए तो बैक साइड के ऊपर ये वही जगह है जहाँ से आप लोगों को आते हुए भी दिखाया गया था। और पीछे सुजुकी है कि जो कि अभी लाइटिंग ऑन की गई है और बड़ी प्यारी लग रही है। मैं आप लोगों को वो भी करीब जाके दिखाऊंगा। उससे पहले जो मुझे सबसे ज़्यादा एक स्ट्रीट अच्छी लग रही है सजी हुई, जी बेटा, वो ये वाली साइड है माशाल्लाह से। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, रेड किस्म लाइट्स हैं ऊपर और बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। ये दोस्तों, ये गाड़ी अभी सज रही है माशाल्लाह से, सजावट हो रही है, सजावट हो रही है, अभी सजावट हो रही है और जब ये सज जाएगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी। अभी बहुत एक अलग ही लुक दे रही है माशाल्लाह। कैमरा वो चीज़ नहीं दिखा रहा जो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। अच्छा जी दोस्तों, बात ऐसी है कि आप लोगों को मामा नज़र नहीं आ रही होंगी। मामा जहाँ से इतना लंबा एरिया चलना नहीं जाना था और उनको हमने पहले गाड़ी में वो मेन जो लाल कुर्ती के बाज़ार है उसकी थोड़ी सी सैर करवा दी थी। वी वर थिंकिंग के भाई यहाँ पर लास्ट ईयर जब हम आए थे ना तो गाड़ी चलाने की भी जगह नहीं थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने जनाब जो है उनको वहीं गाड़ी में रहने दिया था। लेकिन आज हम लोग चूँकि रात को 1 बजे के बाद का टाइम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था दोस्तों, तो रास्ते ही रास्ते मैं मामा को लेने जा रहा हूँ अपनी, यानी कि गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तो बाकी का रास्ता हम गाड़ी के ऊपर यहाँ से क्रॉस करेंगे। तो चलें दोस्तों, आप मामा के साथ और अपनी गाड़ी के साथ आते हैं। मम्मा जान, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा अच्छा, क्योंकि आज तो हमारे प्यारे नबी की विलादत का दिन है, तो वाह क्या बात है भाई। सजावट आपको कैसी लगी यहाँ पर अभी तक? भी बहुत अच्छी लगी है, अभी आगे से और देखना कितनी अच्छी अच्छी जी।
शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहला कलमा तैयब तैयब माना पा ला लाहा इल्ला हो दोस्तों, इस वक्त 4:15 का टाइम हो रहा है। मैंने मजाक में कहा था कि हम रात भर गुजारेंगे, पर ऐसे ही हो गया, सच में हो गया। फजर होने वाली है थोड़ी देर में। दोस्तों, टाइम शहरी का है, लेकिन हम लोगों की इस वक्त वाकई इसीलिए भूख लगी है। और इस वक्त हम अपने घर के बिल्कुल पास में एक रेस्टोरेंट के ऊपर बैठे हुए हैं, और अब हम लोग अंडा पराठा खाएँगे विद चाय। मेरा भाई जो है ये हमें खिलाने लगा है, क्योंकि हम सब को भूख लगी थी लाइट्स देखते देखते। तो चलें, आप लोगों को थोड़ा सा वो भी दिखा देते। जी तो दोस्तों, हम इस वक्त 4:15 के करीब, यानी कि बस फजर के अजान होने वाली हैं, हम लोग इस वक्त घर आए हैं। कहते हैं कि जिस वक्त आप जो भी मुंह से निकालें, वो कोई भी घड़ी कबूलियत की होती है। मैं अभी भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी और हमारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ख़त्म कर दें, और हम सब लोगों को इतनी खुशियां दे कि बस हम बेशुमार खुशियां दे। आमीन। जी बेटा, लाइट लाइटिंग थी। क्या थी? बहुत सारी लाइट थी। भाई बहुत सारी लाइट थी। आशीष को अच्छा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, क्या क्या? जब ईद कल है ना, जी मशीन लाइट वाली। अच्छा बेटा, कल ईद मिलाद उन नबी है बेटा, तो चलेंगे। बच्चे मासूम होते हैं। मैंने अपने बेटे को बताया था कि कल ईद है, तो उसके जहन में वही आया है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का कॉन्सेप्ट। तो ही इज़ थिंकिंग कि ईद मिलाद उन नबी की भी स्पेशल नमाज होती है, जिस तरह ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की होती है। तो बच्चे तो मासूम होते हैं। चले दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। वो जान लेता है नियतें भी। रब्बे मुस्तफा, तू मुझे हज पर बुला, आके मैं देखूं आँख से काबा तेरा। वसीना मोहम्मद नाना जिने आके गरीबा दीवा पड़ रही, जिने आके गरीबा दीवा पड़ रही।
का मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। सब्ज गुंबद वाले मंजूरी दुआ करना, जब वक्त नजा आए दीदार अता करना। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, लो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। मेरे मालिक, हम सब को अपने जमान में रखना, तमाम दुनिया के मुसलमानों को अपने जमान में रखना। ऐ मेरे मालिक, कश्मीर, फलस्तीन और भी दुनिया में जहाँ जहाँ पे मुसलमानों को जुल्म हो रहा है, सब मुसलमानों को अपने जमान में कर, कश्मीर को आजाद करते हैं मेरे मालिक। बस अल्लाह अब कर दे, कश्मीर को आजाद करते हैं। अल्लाह तेरे से कोई भी नहीं आजाद करवा सकता, तू ही करवा सकता है। अल्लाह कश्मीर को आजाद करवा दे, अल्लाह फलस्तीन को आजाद करवा दे मेरे मालिक। जहाँ जहाँ भी जालिमों के तेरे असर मजलूम है, सब मजलूमों को जालिमों से निजात दिलाते हैं मेरे मालिक। जो अपने आप को खुदा बने बैठे हैं, फिरौन बने बैठे हैं, उन सब लोगों की फिरौनियत की रस्सी अब खींचते हैं मेरे मालिक। अब ढील देना खत्म कर दे मेरे मालिक, रहम फरमा दे उन मजलूमों के ऊपर जो उन जालिमों के तेरे असर। या अल्लाह पाक हम सबको अपने जबान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम।